14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। दोपहर के 3:30 बज रहे थे जब आतंकियों ने वीर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज यानी कि 14 फरवरी को एक साल हो गया, लेकिन आज भी दिलों में पुलवामा हमले का दर्द मजबूत है और हर देशवासी इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। दरअसल 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की 78 बसें करीब 2,500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे 44 से गुजर रही थी। हर बार की तरह इस बार सड़क पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही को रोके बिना ही ये काफिला आगे बढ़ रहा था। बसों में बैठे कई जवान छुट्टी पर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी एक कार ने सड़क की दूसरी तरफ से आकर इस काफिले के साथ चल रही बस में टक्कर मार दी। इसके बाद हुआ एक जबरदस्त धमाका जिसमें बस के साथ जवानों के शरीर के परखच्चे भी उड़ गए। जवान कुछ समझ पाते या हमले का जवाब देने के लिए अपनी पोजीशन ले पाते इससे पहले ही उनके ऊपर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी वहां से भागने में सफल हो गए। वहीं अभी तक इस आतंकी हमले की जांच चल रही है। न्यूज़ डेस्क।